सो गाइज नेक्स्ट घर में आ चुके हैं, डिटैच घर है ये, बहुत अमेजिंग लग रहा है। ये भी कस्टम बिल्ड है, मॉडर्न हाउस है, अंदर चल के देखते हैं। दिस इज द एंट्रेंस, एंटर करते आप देखोगे कि बेसमेंट का सेपरेट एंट्री है, यहाँ से डेक बना हुआ है ऊपर एंड इस साइड पे स्टैंड अलोन गैराज है विच इज नॉट वेरी कॉमन। और जो आप घर का बिल्ड देखोगे इट्स मोर ऑफ लाइक अ मॉडर्न कंसेप्ट, जो नॉर्मल यहाँ के घर है उससे काफी डिफरेंट है। सो गाइज ये है डिटैच घर, हमने कॉन्डो देख लिया, सेमी डिटैच देख लिया, ये डिटैच घर है। बट अभी हम आपको टूर दे देते हैं प्रॉपरली। सो एंटर करते ही अरे गाइज, सो व्हेन यू वॉक इन यू हैव अबव सीलिंग, सो यू हैव लाइक अ ह्यूज सीलिंग, दिस इज समवेयर क्लोज टू 13 आई थिंक, क्लोज टू 15 फीट आप जब एंटर करते हैं। सो इसका सब दिस इज द क्लोजेट राइट, सो ये तो हो गई, सो जब आपका क्लोजेट हो जाएगा, सो द गुड पार्ट इज दिस इज अ कस्टम बिल्ट होम, दिस इज समवेयर क्लोज टू 3000 स्क्वायर फीट एंड इट्स इन द पोर्ट क्रेडिट एरिया, सो प्राइस बता दूं ये थोड़ा सा, सो दिस इज समवेयर क्लोज to 1.9 million. So everything is custom. हमारे जैसे इस price में तीन घर आ जाएंगे. And this is somewhere close to 3,000 square feet. And brand new home. Wine rack है यहाँ पे, custom wine rack specially लगा हुआ है. हमारे घर में तो छोटा वाला भी नहीं है. So guys, in this house आपकी ceiling 11 foot हो जाएगी. और ये आपकी सारी custom kitchen, light fixtures, hot lights, flooring, everything is like best quality you can say. और ये आपको अच्छी चीज मैं आपको मेंशन करूंगा, दीज आर लाइक आई वुडंट से गोल्ड प्लेटेड बट दीज आर प्रीटी मच द कॉपर वंस, सो दीज आर लाइक द हाई एंड अपग्रेड्स इन अ होम एंड ऑल द अप्लायंसेस दे लाइक द बेस्ट क्वालिटी, इट्स द वॉल्व वॉश अप्लायंसेस, आई कुड बी रॉन्ग बट दीज अप्लायंसेस कुड बी समवेयर क्लोज टू 100,000, सो यू गॉट द फ्रिज ओवर देयर एज वेल एंड सो मेनी विंडोज इन द होम एंड क्वार्ट्ज काउंटरटॉप्स एज वेल। ओके दीदी, सो टेल मी व्हाट यू लाइक अबाउट दिस हाउस। I think this is spacious, काफी बड़ी windows हैं और light का भी काफी source है यहाँ पे and modern look है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Yes, pretty good. Custom ducts हैं। हाँ, ducts भी जो हैं custom हैं, काफी different हैं ये। Alright, let's show you one more thing at the back. Guys, because it's a custom built, you have आपका गराज सेपरेट है घर पे और कनेक्टेड नहीं है आपके घर के साथ, यू हैव अ डेक, ग्लास रेलिंग है आपकी डेक, बिकॉज ये कॉर्नर लॉट पे घर बनाया हुआ है इसलिए यू हैव सो मच ऑफ अ लाइट कमिंग इन टू द होम एंड शोड ओवर ऑन दैट साइड, सो यू सी हाउ स्पेशियस इट इज एंड यू गॉट योर फैमिली रूम ऑन दैट साइड एज वेल। You have this backsplash kind of thing on the, this is actually the porcelain tiles and these are the high-end porcelain tiles which normally put on the floors as well and this is all the huge windows, puri light aapke ghar and fireplace bhi yahan pe hai, kafi I think spacious hai kafi। ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं बेडरूम सेक्शन। यार मेरे को ये वॉल इतनी मस्त लग रही है, दिस इज सो नाइस एंड दे आल्सो हैव अ कस्टम एरिया जहां से प्रॉपर लाइट आए, क्या बोलते हैं इसे, लाइट विंडो, लाइट, दैट्स अगेन अ कस्टमाइज्ड थिंग जो नॉर्मली घरों में नहीं होती विच इज गुड। ऊपर आके भी आप देखो बहुत स्पेस है यहाँ पे बेडरूम्स के बीच में जो नॉर्मली आजकल घरों में नहीं होता। Could be a laundry setup here. So yes. Wow, look at that. So beautiful. So this is the master bedroom. So guys, anyone other than these homes, अगर आप कोई घर बाय कर रहे हैं, make sure it's a slogan we say, washrooms and kitchen sell the houses. So do check the washroom, please. Wow. Soaker tub है, soaker tub है, amazing. View देखो. That's important. And two piece sink है. Beautiful, काफी spacious लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. I love the bedroom. And see the window here. Windows is huge and you have that custom cabinetry over there as well. Oh nice, this is nice. This is not usual, right? This is nice. India में होता है ऐसा concept, यहाँ पे बहुत कम है and like they have lighting as well inside, so that's a nice thing. And ऐसा लग रहा है कि इस घर पे कोई रहा नहीं है, this is a brand new house, so that's again a plus point. जिसको पहला नया घर लेना है तो ये it's kind of a new house. 1.8 million. लोग बहुत पूछते हैं इस बारे में। So guys, thing is that
it's a cheaper to build a home, but you need a lot of money in your pocket for that. You need a lot of cash with you. And I think experience also, आपको बताना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कौन सही builder है उसके लिए and all that. 100% इसको आप मुझे इंडिया वाली किचन लग रही है. So this is your custom cabinet here as well. Wow. So this is your linen closet, we say it. And this is going to be your second room as well. And this after this, maybe washrooms hain, upgraded washrooms hain. And they have a small tub as well. Nice. I think look bahut achhi hai, bahut modern look hai, which is like unusual yahan pe. एंड आप अगर देखोगे जो नॉर्मली मास्टर बेडरूम के अलावा जो होते हैं अदर बेडरूम्स वो थोड़े छोटे होते हैं, बट दिस इज वेरी डिसेंट साइज, काफी स्पेस है यहाँ पे. बेड के अलावा भी आप वॉक कर सकते हो. सो दिस इज नाइस. दे हैव अ क्लोजेट अगेन बिग साइज, नाइस. आगे चलते हैं. लाइट देखो कितनी ज्यादा आ रही है. ये इसका बेनिफिट एक्चुअली में ये तो कर यो हर कस्टम बिल्ड में ही है ही हर किसी में, राइट? हां, आई थिंक इट्स कॉल्ड सम सन विंडो इसको बोलते हैं. ओके. और आपको ये बनानी पड़ती है, इंस्टॉल करते हैं सब. इसके लिए इट्स ऑलवेज हेल्प्स, यू हैव सो मच लाइट. ये पुराने घरों में होता था जब बनते थे. इंडिया में भी होता है, जाली में. या यू कैन सी दैट. अरे गाइस, तो आपके टू बेडरूम्स यहाँ पे हो गए और इनका कनेक्टेड वॉशरूम है. जब टू बेडरूम्स के साथ एक वॉशरूम कनेक्टेड होता है, हम उसको जैक एंजल बोलते हैं. और दोनों साइड पे विंडोज होती हैं और बहुत दोनों रूम वाले बंदे इसको यूज कर सकते हैं. सो दिस इज रूम नंबर वन, ह्यूज लाइट. एंड दिस I think this is for kids especially. दो बच्चे आपके, तो एक बच्चा वहाँ पे एंड दूसरा यहाँ रहके लेकिन शेयर द वॉशरूम. एंड आई थिंक दिस इज अगेन अ डिसेंट साइज, बच्चों का बेड वेड आ सकता है यहाँ पे. स्टोरेज भी है, नाइस. आई थिंक घरों में सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज होती है, स्टोरेज बहुत है इस घर में. सो दैट इज नाइस. एंड दिस इज व्हाट इज दिस वॉशरूम कॉल्ड, जैक एंड जिल. दिस इज जैक एंड जिल, जब आप दोनों साइड से इसको यूज कर सकते हो. ओके, सो दिस इज न्यू, लाइक वी हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर. सो दिस नॉर्मली हैपेंस जब आपके ऊपर फोर बेडरूम्स हों और थ्री फुल वॉशरूम्स हों, तो जो थर्ड रूम है, बोथ रूम होता है, उसको वो थर्ड वॉशरूम के साथ ऐसे इंटरकनेक्ट कर देते हैं, सो दैट पीपल लिविंग इन बोथ द रूम्स दे कैन शेयर इट. नाइस. चलो बेडरूम. सो ये दूसरा बेडरूम है, आई थिंक दिस इज द फोर्थ बेडरूम. अगेन डिसेंट साइज, लाइक द वॉल. अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, इन सभी घर की जो कस्टम कैबिनेटरी है, सो ये सारा कुछ कस्टम आता है. नॉर्मली बिल्डर आपको इतना कुछ नहीं देता. आपके जो रैक्स बने हुए हैं सेपरेट सेपरेट बनाने के लिए, इसमें आप ज्यादा सामान रख सकते. The door opening knobs, everything is like upgraded, everything is like, it's like finest quality you can yeah, say. Yeah, these are quite heavy doors. Hmm. Ye common and day, this house has already been conditionally sold, so we'll tell you how much it's sold for. We missed it. Sorry. Missed it, Manpreet, aise bol rahi jaise hum 2 million ka ghar khareed lete abhi. Soon time, right? Recognize caught inside my mind. आप ये नॉर्मली घरों में नहीं देखते जैसा इन्होंने ये यहाँ पे डिजाइनिंग की हुई है. बेसमेंट में चलते हैं, बेसमेंट भी फिनिश्ड है, देखते हैं जाके. सो गाइस, जस्ट एक और चीज है ना, नॉर्मली बेसमेंट फिनिश्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको रेंट कर सकते हैं. मोस्टली दीस डेज सिटी के हिसाब से दे हैव टू बी लीगली डन. सो लेट्स गिव यू टूर ऑफ दिस फिनिश्ड बेसमेंट. वाओ, इट्स सो नाइस. सो यस, जस्ट हियर द गैराजेस. हम यहाँ पे खड़े थे और आपकी एंट्रेंस यहाँ से होगी. सेपरेट एंट्रेंस है इसकी एंड काफी स्पेशियस और काफी. और अभी मनप्रीत कह रही थी कि 2 मिलियन की ये डिटैच हाउस है और मनप्रीत कह रही थी कि इसको वो रेंट पे चढ़ाएगा. भाई 2 मिलियन का जो घर लेगा वो रेंट अपना रिक्रिएशनल एरिया बनाएगा, यहाँ पे पूल टेबल लगाएगा, टेबल टेनिस लगाएगा, उसने ऑलरेडी प्रोजेक्टर लगाएगा, मूवी देखेगा यहाँ पे, पूरा थिएटर बनाएगा. Rajiv, how are you? What are your views on this property? How are you liking the house? Awesome, awesome. एक हमें बस penthouse मिल जाए जो सबसे पहले देखा था और एक ये detached मिल जाए. Penthouse हम rent पे दे देंगे. छोटी-छोटी ख्वाहिश है हमारी. ज़्यादा बड़ी कोई हमारे dreams नहीं है. That's awesome. There's a pantry area as well. जी. But इसके लिए मैं बोलूँगा अगर ये 2 million का हम ले भी लेंगे ना detached घर, मनप्रीत इसकी basement rent पे चढ़ा देंगे. अपने तो चढ़ाई नहीं अभी तक. You know, we can't help it, right? We are brown, we can't help it. Yeah. So guys, this is pretty much your bar area. So, you know, ये जो नीचे सेटअप बनाया है, ये रेंटल पर्पस के लिए नहीं बनाया हुआ. Because to have a rental, you need to have a stove as well. जिसमें कोई stove नहीं है. So this is pretty much like a party place, you can say. Right. And you have 2 rooms on that side, but you do have a laundry as well. Look at the window size. एक अच्छी बात बताऊँ, हमारी विंडो से छोटी विंडो है ये. हाँ, exactly. हमारी विंडो से बड़ी है.
ओके, इसमें लॉन्ड्री नीचे है, ऊपर नहीं थी ना लॉन्ड्री, इसमें स्पेस था ऊपर स्पेस था, बट हाँ दो यूनिट, सो सेम यूनिट है यहाँ पे, ऊपर भी लॉन्ड्री रख सकते हो आप, नीचे भी रख सकते हो। सो वन मोर थिंग, अगर आप लीगली बेसमेंट की बात करें तो भैया दो सेपरेट यूनिट लॉन्ड्री के मस्ट हैं। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट, ऊपर वालों के लिए सेपरेट हो, नीचे वालों के लिए सेपरेट, देन इट्स कंसीडर्ड एज अ फिनिश्ड बेसमेंट फॉर द रेंटल पर्पसेस। लेट्स गो शो यू द रूम्स एंड द वॉश, दिस विल बी द स्टोरेज एरिया, कुड बी द फर्नेस एरिया एज वेल। वाओ, लुक एट द स्पेस, कितना ज्यादा स्पेस है इसमें। अच्छा वो जो स्टेयर्स के नीचे हमने बनाया, बट हमारा ऐसे चल के नहीं आ सकते। दिस इज नाइस, स्पेशियस एंड स्टोरेज, अगेन स्टोरेज इज मस्ट इन कनाडा। 2 मिलियन का घर लेके भी स्टोरेज का, स्टोरेज की टेंशन हो रही है। दिस इज द हार्ट ऑफ द होम, दिस इज द हार्ट ऑफ द होम, दिस इज द हार्ट। फर्नेस एरिया, यहां पे भी टाइल्स लगी हुई, नाइस। इतनी बढ़िया फर्नेस देखिए, इतनी गंद पड़ा होता फर्नेस में। All right, let's see the rooms. This is first bedroom. एक ही बेडरूम है, नहीं दो बेडरूम। This is the first bedroom. Light बहुत आ रही है. Basements में normally ऐसा नहीं होता, but this is unusual because इतना महंगा घर है, इतना बड़ा है तो nice. I think ceiling size भी ज़्यादा है इसमें. Somewhere close to 9 feet यहाँ पे. 9 feet. Wow. Basement भी 9 feet. These are the plus points of buying a custom home, right? Yeah. Oh wow. This is again an upgrade, right? Like. Upgrade it has been. It's heated. Wow, they have heated tiles here, so unusual, बहुत unusual है, especially basement में ऐसा होना। Wow, and this is like decent size washroom. I think ऊपर भी ऐसा होगा, अगर basement में वो दे रहे हैं तो हमने ऊपर miss कर दी वो चीज़। Then this is the second bedroom. Look at the size. Wow, window है, decent size, light आ रही है अंदर। Cabinet है यहाँ पे। Wow, this is nice. क्यों लाया दिखाने ऐसे घर मुझे? मैं रणवीर से पूछ जाऊंगा, अगर ये बंदा सिर्फ बेसमेंट हमें दे दे तो बेसमेंट में रहोगे आप? चलते हैं, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच, दैट्स प्रीटी मच ऑल, यस, बट इट्स लाइक गुड स्पेशियस बेसमेंट, ऐसी नहीं देखी मैंने कभी कनाडा में, स्पेशली द हीटेड फ्लोरिंग इन द वॉशरूम, हां, लाइक नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो गया आपके घर में। सो गाइस, ये था डीटेच हाउस का टूर, आपको थोड़ा ज्ञान भी दे देते हैं। सो इस घर का जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 2 मिलियन है, बिकॉज जैसे हमने आपको बोला था कि आपको हाई एंड घर दिखाएंगे, बट GTA में प्राइस रेंज आपको गौरव बताएंगे, बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ डिटैच हाउस, इफ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, सो आई विल गिव इट टू एक्सपर्ट। थैंक यू। ओके गाइस, दिस इज लाइक जैसे भैया ने बोला, इट्स क्लोज टू 2 मिलियन बिकॉज इट्स अ कस्टम बिल्ट होम एंड दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट एंड होम्स व्हिच यू कैन बी लिविंग एट। नॉर्मली अगर आप डिटैच GTA में बोल रहे हैं, अगर आप उस एरिया में भैया अभी डिटैच देख रहे हैं तो यू आर लुकिंग समवेयर क्लोज टू $900,000 एंड अप। $900,000 इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू रेकमेंड यू द होम्स लाइक $800,000 जो हैं पर बहुत पुराने हैं, लाइक क्लोज टू 30 years 40 years ओल्ड। सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू गो इन देयर एंड यू गोना बी लिविंग इन देयर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी माइट भी थोड़ी सी कॉस्ट पड़ सकती है अबाउट द रेनोवेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो एवरेज आप समवेयर क्लोज टू 900 टू 1 मिलियन से आप सोच सकते हैं कि आपका प्राइस रेंज शुरू होगा। And these ones we are talking about are somewhere close to average of like 2000 square feet, 2500 square feet se hum start ho rahe hain. Jaise aapke square footage upar jayenge then you can even go up 2 million as well. This one a standard home I can say it's close to 3000 square feet and it's all custom built. Agar aap normally GTA mein iske bina kuch aur dekhe jo aapko builder ne diya then you could be looking somewhere close to 1.2 1.3 million easily. But normally if it's a custom built and this is one of the posh areas in Toronto right now. And इसीलिए that's why it's raining us that much of money. ठीक है, cost आपने बता दी, advantages, disadvantages because हर type के घर के होते हैं। हाँ जी, so ये चाहे 2 million का घर है और detached घर है, but इसके भी कुछ disadvantages होंगे और advantages होंगे। हाँ जी, so guys normally pros are के it's a detached home है ना, you have a more space to yourself first of all and normally when you have like a 4-bedroom home आपको 3 full washrooms या 2 full washrooms आपको मिल जाते हैं और आप अपनी basement भी rent कर सकते हैं, normally आप semis में भी कर सकते हैं but detached में ये हो जाता है कि आपकी legal basement बनने के ज़्यादा chances हो रहे हैं। और detached में मुझे लगता है कि अगर आपको चाहिए 12 bedroom जी तो 12 bedroom वाला आपको semi नहीं मिलेगा, आपको detached ही मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक मैं कॉन्स बताऊंगा आपके डिटैच घरों में कि इनका थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स भी है नॉर्मली ज़्यादा होता है और अब थोड़ा सा विद द टाइम बिल्डर एक्चुअली थोड़ा सा कंजेस्टेड भी कर दिया उन्होंने डिटैच होम, सो मेक श्योर द पीपल यू आर वर्किंग विद दे एक्चुअली गाइडिंग यू एवरीथिंग प्रॉपर्ली। एक और एडवांटेज होता है डिटैच में कि आपकी वॉल शेयर नहीं हो रही, जैसे हम आपको बताया है सेमी डिटैच में वॉल शेयर होती है
सो ऑब्वियसली उसके डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसमें वो नहीं होता. सो इसके डिटैच के ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है बिकॉज ये आपका फाइनल हाउस होता है, स्टेबिलिटी के लिए फैमिली हाउस होता है, बट ऑफकोर्स महंगा होता है. सो वही एक कॉन है सबसे बड़ा, कि सबसे महंगा आपको डिटैच मिलेगा. सो एक और सर प्रो टिप मैं बताऊंगा कि अगर आप डिटैच घर में जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा लैंड ठीक है, यू हैव इनफ स्पेस बिटवीन द नेबर्स. ये नहीं कि आपका नेबर का घर भी बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ फिर आपकी साइड एंट्रेंस निकालने में प्रॉब्लम आती है. सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. सो गाइस आई होप आपको इतने एफर्ट्स हम सबके पसंद आए होंगे, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी. हमने चार वीडियो क्लब करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी. थैंक्स टू गौरव. थैंक्स यू गाइस. गौरव वीकेंड पे स्पेशली वो आया हमारे लिए, दैट्स अ बिग थिंग. या एंड आई जस्ट वांट टू से एनीथिंग फॉर दीस गाइस स्टफ. मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, बट दीस गाइस आर पुटिंग सो मच ऑफ एन एफर्ट. इनको मैंने आज सुबह जल्दी भी उठाया. नॉर्मली हमारी 12 बजे से स्केड्यूल शुरू होने थे, बट आई पुश देम सो दे शोड अप लाइक एट 11 a.m. इन द मॉर्निंग. And on a Saturday morning, sorry for that guys, but hopefully you guys got enough information. सब कुछ आपके लिए guys, because घर purchase करने के लिए भी he is the best guy. नीचे video description में link दिया हुआ है. Fill it. आपको condo चाहिए, townhouse चाहिए, semi चाहिए, detached चाहिए. He will be the best guy because आपको realtor बहुत मिल जाएंगे. आपको honest, genuine realtor बहुत कम मिलेंगे. So if we can vouch for him, I think you should go with him. And one more thing, it's a funny story. I want to end it on a funny end. मैं ना बंदों को कभी call करता हूँ, then especially sometimes है ना. Like, hi, this is Gaurav calling, hai na, and I got your number from Canada couple. Yeah. And logon ko realize nahi hota that we actually calling them. Matlab, they never expected us to call them. So guys, hum aapko call karte hain. So just keep wait because a lot of people sign up for our kind of like expertise and stuff. So we will call you, stay there. Hum jisse bhi associate karenge, wo koi scam nahi hoga. Aap aisa nahi soche ki ye Canada couple scam kar rahe hain. Hum bahut किसी से भी हम पार्टनर करते हैं तो हम बहुत देख भाल के करते हैं. सो आई होप लाइक किया होगा आपने वीडियो. कमेंट में जरूर करके बताना क्या आपका सबसे फेवरेट हाउस था. एंड आई विल लेट मनप्रीत एंड दिस वीडियो. सो मेरा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फेवरेट था अब तक. सबसे बेस्ट वाज द पेंट हाउस फॉर मी. आप बताओ कमेंट करके, आप बताओ आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा. एंड इफ यू लाइक द एफर्ट्स, लाइक के बिना मत जाना. लाइक शेयर एंड कॉमेंट. टिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड. Awesome.